सो हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जिसका हम यूज केवल सिंगुलर में ही करते हैं, एक वचन में ही करते हैं। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वो नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर ही होता है, जिसका कोई प्लूरल ही नहीं होता है। ये एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में ये जनरल चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं जिनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है, केवल सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, कुछ नाउन हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन कौन सा, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, न्यूज, इनिंग्स, वेगेज, ब्रेकेज, ब्रेकेज और ड्रेपरी और इमेजिनरी, पोएट्री, वर्क, पेपर, डस्ट, सोप और एपरेचर। तो ये वो वर्ड हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, बस 102 बार दोहराएंगे मेरे साथ। तो क्या है, सबसे पहले सीनरी। सीनरी क्या होता है, एक प्रकार की तस्वीर, ठीक है ना। तो सीनरी सबसे पहला वर्ड है, सीनरी से रिलेटेड है मशीनरी, जैसे बोलते हैं उपकरण, तो सीनरी से मशीनरी। फर्नीचर, जिस फर्नीचर आप सभी जानते हैं, फर्नीचर, हेयर, बाल, ये हमेशा एक वचन में यूज होता है आपका। ब्रेड है रोटी, ठीक है, ब्रेड, ब्रेड। एडवाइस सलाह, और आपका इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है सूचना, जानकारी। और लगेज, लगेज होता है सामान। मिसचीफ होता है शोरगुल। पोएट्री और मशीनरी होता है उपकरण। अल्फाबेट होता है आपका वर्णमाला। न्यूज जिसे हम बोलते हैं जानकारी। इनिंग्स होता है पारी। और वेगेज मान होता है सामान। और ब्रेकेज, ब्रेकेज होता है टूट फूट। ड्रेपरी का मतलब होता है जो कपड़ों की जो दुकान होती है उसे बोलते हैं, और कपड़े का जो माल होता है उसे भी बोलते हैं। तो एक प्रकार से, या ये भी कह सकते हैं, ड्रेपरी जो होता है एक कपड़े का कारखाना भी होता है, या कपड़े का व्यवसाय भी होता है, ठीक है ना। और इमेजिनरी चित्र। और पोएट्री, पोएट्री होता है मिट्टी के बर्तन। और वर्क सभी जानते हैं, पेपर, डस्ट, धूल। और सोप होता है साबुन। और एपरेचर, एपरेचर का मतलब ही होता है उपकरण, यंत्र, ठीक है ना। तो याद रखना ये वो वर्ड हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एस लगा होता है, जैसे आपका कंट्री होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें एस ऑलरेडी लगा होता है, इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे, ये कंट्री होता है यूएसए, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हमेशा सिंगुलर में यूज की जाती है। अगला है बुक, बुक जिसे बोलते हैं द अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक है बहुत ही फेमस, और ये हमेशा सिंगुलर में यूज की जाती है, इसमें एस ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है। तो याद रखना है, और इन दोनों के साथ हम एस का भी प्रयोग करते हैं, यूएसए से पहले दा लगता है, द अरेबियन नाइट्स से पहले दा लगता है। अगला है आपका गेम्स, गेम्स है बिलियर्ड्स है और जिमनास्टिक्स है और ड्रॉट्स है। तो बिलियर्ड्स एक गेम होता है, ड्रॉट्स भी एक गेम होता है, और जिमनास्टिक जो होता है वो खेलकूद या व्यायाम होता है। ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस ऑलरेडी लगा होता है, ये अपने आप में एक वर्ड होते हैं, याद रखना है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन सा, बिलियर्ड्स, जिमनास्टिक और ड्रॉट्स, ये ऐसे गेम्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। अगला है आपका न्यूज़पेपर, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी आपका एक वचन में यूज किया जाता है। इसका रीजन है क्योंकि इसमें भी एस लगा हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लास्ट, डिजीजेस, कुछ बीमारियां होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज की जाती हैं। इसका रीजन ही एक होता है क्योंकि इसमें एस लगा होता है, जैसे द मम्स है और मीसल्स है। वैसे जो बीमारियां होती है वो सब सिंगुलर में यूज की जाती हैं, लेकिन इसको ये याद रखना है कि इसमें एस ऑलरेडी लगा होता है। तो ये ऐसी बीमारियां जिसमें एस ऑलरेडी लगा होता है, तो मम्स और मीसल्स, जिसे खसरा और एक जो आपने देखा है जगह जगह पे हमें सूजन आ जाती है, तो उसे बोलते हैं मम्स। तो मम्स और मीसल्स, ये दो बीमारियां जो हमेशा सिंगुलर में यूज की जाती हैं, और इनसे पहले दा का भी प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखना, ये भी एक फैक्ट है कि मम्स और मीसल्स से पहले दा लगता है, ऐसे ही हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले भी दा लगता है, और आपका अरे नाइट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी वो वर्ड हैं जिनमें दा का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा और सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त फ्रेंड्स के साथ
शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।